अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उसको हमारी फोर्सेस ने कॉर्टर किया, बच्चों को रेस्क्यू किया और हमारी प्रिंसिपल जनाब इम्तियाज बड़ाई साहब हैं। बाकी हजरात से दरख्वास्त है कि वो अपनी जगह पे तशरीफ रखें। तंजीम शादी दिफा सलामी के छोटे की तरफ आ रहे हैं। परेड की कार्रवाई शुरू करने की इजाजत तलब की गई, जो कि स्टेज मान कमांडर तंजीम शादी दिफा परेड के मुआयने के लिए दरख्वास्त की गई। तमाम मेहमानों ने गिरामी परेड के मुआयने के लिए तशरीफ लेके जाएंगे। कैडेट हाफिज अजीम और अरशद साहब की मेहमानों ने गिरामी परेड के मुआयने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। तंजीम शहरी दिफा ज़माना अमन हो या ज़माना जंग है, और बगैर किसी तनख्वाह के लालच के बेलौस होके इसमें खिदमत सर अंजाम देते हैं। और आज हमारे पास ग्राउंड में खड़ी होने वाली ये तीसरी नस्ल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बुजुर्गों की नेकी है जो आज कायम है। मेहमानों ने ग्रामी कौमी परचम के सामने से गुजरते हुए ज़माना जंग में शहरों के अंदर दुश्मन दाखिल होता है, उसके हवाई जहाज दाखिल होते हैं, बदमनी फैलाते हैं, बमबारी करते हैं, हमेशा बाटों पे लटती हैं। शहरों के अंदर एक ऐसे निज़ाम की जरूरत थी, इसको जंगे अजीम अवल में महसूस किया गया और जंगे अजीम कौम में इस तंजीम को खड़ा किया गया। फरमा के ग्रामी वापस इस्लामी के चबूतरे पे तशरीफ ला रहे हैं। परेड कमांडर सिविल डिफेंस हाफिज उस्मान मार्च पास के लिए सलामी के चबूतरे से इजाजत ली, जो कि उनको फराहम की गई। अब तमाम प्लेटफॉर्म मार्च पास करेंगी, सलामी के चबूतरे के सामने से सलामी देते हुए गुजरेंगी। फौजी को सिपाही को लड़ते हुए यह एहसास होता है कि बारी की सूरत में वहाँ पर तंजीम शहरी दिफा जैसे रजाकार मौजूद हैं,
तो उसका आजम हौसला हमेशा बुलंद रहता है। किसी भी किस्म के हादसात हो, आग हो, इनके बाद जेरे तरबियत उस्ताद तंजीम शहरी दिफा।